उठते बैठते मैं बहुत कष्ट को झेली। आज बच्चा जन्म लिया है, मैं कैसे देती भैया कंस को मारने की? अगर आप पहुंचा देंगे भैया कंस के पास इस बच्चे, निश्चित भैया कंस इस बच्चा को मार। वसुदेव जी कहते नहीं, मैं वादा क्या हूं कंस के साथ, मैं पहुंचा देता हूं कंस राजा को। जोर जबरदस्ती वसुदेव जी देवकी की गोदी से बच्चा खींच लिए और कंस के सामने पहुंच जाते बच्चा को लेकर। कंस राजा से वसुदेव जी जाकर के कहते हैं, मथुरा के राजन आप लीजिए अपना बच्चा, आपके साथ जो मैं वादा किया, मैं अपना वादा को पूरा करने के लिए आया हूं। कंस राजा कहते हो वसुदेव, मुझे डर है प्रथमा का, एक प्रथम बच्चा का डर नहीं है, आप ले जा सकते इस बच्चा को। कंस वापस कर गए। जब कंस देवकी की प्रथम बच्चा को वापस करते हैं, तब तक में नारद जी पहुंच जाते हैं कंस के दरबार, हाथ में बीना लिए हैं और भजन गाते हुए नारद का आगमन होता है कंस के दरबार। नारद जी कहते मेरा कुशल तो ठीक ठाक है, लेकिन आपकी कुशल बिल्कुल गड़बड़ है। कहते हैं कंस राजा देवऋषि नारद से, आप कैसे समझते हैं कि मेरा कुशल गड़बड़ है? नारद जी कहते हैं कर अभी जो देवकी की बच्चा था तो आप वापस लौटा था, कुशल गड़बड़ है। कंस राजा कहते देव ऋषि नारद, इसलिए मैं लौटा दिया कि मुझे डर है अथमा डर की बच्चा का डर नहीं। नारद जी पृथ्वी पर आठ जिकीर खींचते हैं, आठ जिकीर खींच करके कहते धर से गिनिए। कंस गिनना शुरू करते हैं बायां भाग से दाया भाग, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, कहते हैं बायां भाग से दाया भाग आठ, अब बायां भाग से बायां भाग गिनिए आठों को। फिर उल्टा गिनते हैं कंस, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। नारद कहते हैं वो समय अगर जब पृथ्वी बच्चा अथवा बन जाए, जान बचेगी मथुरा नगरी में? कंस राजा कहते हैं ठीक देव ऋषि नारद, हो सकता अथवा भी मथुरा बन सकता है। सिपाही को
कि जाओ धरती की गोदी से बच्चा खींच करके लाओ। हो सकता है पथरा बच्चा भी इतना बन सकता है। सिपाही लोग जाते हैं